हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आपका दोस्त और चैनल का उस प्रांत। दोस्तों फाइनली यार गेमिंग न्यूज़ #57 जो है ना आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगने वाला है, क्योंकि इतने सारे आपके फेवरेट गेम्स के ऑफिशियल न्यूज़ निकल करके आ गए कि उसको देखते देखते यार आप लोग थक सकते हो आज। जी बिल्कुल, आप लोगों को बहुत सारे गेम्स के न्यूज़ बताने वाला हूं मैं इस वीडियो में, तो बहुत कमाल का वीडियो होगा। पूरा एंड तक एकदम ध्यान से देखते रहना, जल्दी से कर दो लाइक शेयर कमेंट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बोलूंगा कि इस चैनल पर अगर आप लोग पहली बार आए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर दोस्तों आपके लिए मैं सारे के सारे एंड्रॉइड और पीसी गेमिंग के वीडियोस एकदम जल्दी लेकर के आ जाता हूं। दोस्तों अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे ना तो गारंटी देता हूं यार फायदे में जरूर से रहोगे। तो चलिए गाइस अब शुरू करते हैं गेमिंग न्यूज़ 57। तो आप लोग वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए। तो दोस्तों देखो, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मई 2023 का आज आखिरी दिन है और कल से शुरू हो रहा है जून 2023। और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ तो यहाँ पे ये है कि भाई जून का महीना जो है ना वो पूरी तरह से मोबाइल गेमिंग का महीना होने वाला है, क्योंकि इसमें आपको इतने सारे गेम्स मिलने वाले हैं। और कौन कौन से गेम्स है, कौन सी तारीख पर रिलीज होने वाले हैं, वो सारे डेट के साथ में आपको मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ यार आज, ठीक है। तो देखो अभी तक के 2023 जितना भी गुजरा है, 5 महीने तो यार बहुत ज़्यादा बोरिंग है, और सबसे ज़्यादा बोरिंग महीना तो यार ये मई का महीना होगा आपके लिए, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई गेम नहीं मिला सिवाय BGMI के। अब जो लोग BGMI खेलते हैं वो तो यार बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन जो लोग नहीं खेलते वो तो यार इतना ज़्यादा उदास होकर के बैठे हुए थे कि यार क्या ही बताएं। लेकिन अब यार खुश हो जाओ बिल्कुल तरीके से, क्योंकि आपको जून में ज़बरदस्त बड़े बड़े गेम्स मिलने जा रहे हैं। और जून का महीना और आने वाले जो 2-3 महीने हैं वो सारे ही गेमिंग ईयर होने वाले हैं, पूरे के पूरे गेमिंग मंथ्स होने वाले, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको पहले क्लियर कर दिया। अब देखो सबसे पहला जो गेम आ रहा है ना यार आज की तारीख में, वो है BGMI। और उसकी न्यूज़ अगर मैं आपको बताने जाऊँ तो वो ये है कि अभी तो चलो प्ले स्टोर के ऊपर ये गेम आ गया, आप लोग इसको खेल भी रहे हो पूरी तरह से, और सीधा सीधा यहाँ पे जो टाइम लिमिट उसके अंदर रखी गई है उसके हिसाब से आपको गेम खेलने के लिए मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ी न्यूज़ ये है कि 3 महीने के बाद में, यानी सितंबर 2023 का जो फर्स्ट वीक रहेगा उसमें आपको ऑफिशियल अनाउंसमेंट देखने के लिए मिलने वाला है क्राफ्टन की तरफ से, इसके टाइम लिमिट को लेकर के, कि गेम जो है वो टाइम लिमिट के साथ ही रन किया जाएगा या फिर टाइम लिमिट को हटा करके 24 घंटा आप लोग उसको इन्जॉय कर पाएंगे। और यहाँ पे दूसरा जो अनाउंसमेंट है वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आपको देखने के लिए मिलेगा सितंबर के फर्स्ट वीक में ही, और वो अनाउंसमेंट हो सकता है अनबैन को लेकर के भाई इस गेम को हमेशा के लिए अनबैन ही रखना है या फिर से बैन कर देना है। अब देखो ये जो है ना यार आप ही लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि लोग 24 घंटे जो है वो यार यही गेम जो है वो खेल रहे थे, इतने कंप्लेंट्स आ रहे थे कि हम यार क्या ही कहें, मोबाइल जो है इतना ज़बरदस्त जो है आप लोग यूज़ कर रहे थे, इसी वजह से गेम को बैन किया गया था। अभी यहाँ पे जो टाइम लिमिट यहाँ पे रखी गई है उसके हिसाब से आप लोग सिर्फ टाइम लिमिट के हिसाब से ही गेम को जो है वो एंजॉय कर सकते हो, और आप लोग अगर उसके ऊपर खेलोगे तो फिर अगर कंप्लेंट्स यहाँ पे रजिस्टर होते हैं तो वापस से गवर्नमेंट जो है इसको बैन करेगी। इतना मैं आपको क्लियर बता दूँ, यहाँ पे 100% गेम जो है वो बैन होगा। तो इसी वजह से यार आप लोग प्लीज़ अभी ये जो गेम है इसको लिमिट में रहकर ही खेलना, बहुत ज़्यादा ओवर करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको इसको हमेशा खेलना है तो, ठीक है। चलिए दूसरे गेम की बात करते हैं यहाँ पे, और उसका नाम है रेनबो सिक्स मोबाइल गेम। और एक बात तो मैं आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दूँ दोस्तों कि जो यूबीसॉफ्ट है ना वो यार बहुत ज़बरदस्त एक्टिव रहने वाला है अभी दोनों ही डिवाइसेस के लिए, पीसी कंसोल्स के लिए भी और मोबाइल के लिए भी, और सबसे ज़्यादा तो मोबाइल के लिए रहेगा क्योंकि यहाँ पे 2 गेम्स आपको ये मोबाइल के अंदर देने वाला है जून और जुलाई के अंदर। पहला जो गेम निकल करके आएगा वो है रेनबो सिक्स मोबाइल, जो कि अभी 6 जून को ऑफिशियली उसका क्लोज बीटा वर्जन शुरू हो जाने वाला है, ठीक है। 6 जून से आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो, और इसके ऊपर सेपरेट वीडियो अगर आपको चाहिए रहेगा, डिमांड आप अगर आप लोग करोगे तो मैं आपके लिए बनाऊंगा कि कैसे उसको डाउनलोड करना है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अच्छा, तीसरा जो गेम है वो भी यूबीसॉफ्ट की तरफ से आने वाला है और वो है द डिविजन रिसर्जेंस मोबाइल गेम। अब देखो इसकी जो ऑफिशियल डेट है वो अभी फिलहाल के लिए तो निकल करके नहीं आई है, लेकिन हाँ जून 2023 के अंदर कभी भी इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट होने वाला है रिलीज डेट को लेकर के। और इसका जो नया बीटा वर्जन है वो जून की कौन सी तारीख पे आएगा वो आपको 15 जून के बाद में मोस्टली देखने के लिए मिल सकता है, उससे पहले तो बहुत थोड़े से चांसेस है उसके, लेकिन 15 से एंड जून के बीच में आपको वो रिलीज डेट जो है वो मिल जाएगी इस गेम की ऑफिशियली यूबीसॉफ्ट की तरफ से, ठीक है। अच्छा, तीसरा गेम मैं दोस्तों आप लोग को बताता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। ये जो गेम है Assassin's Creed,
ये दोस्तों 12 अक्टूबर 2023 को फाइनली अवेलेबल होने वाला है पीसी कंसोल्स के लिए। काफ़ी ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है अगर आपके पास में पीसी कंसोल्स है तो आप लोग इस गेम को जो है 12 अक्टूबर से एंजॉय कर पाओगे। और इसके बाद में मैं आप लोग को एक बात ये भी बता दूं, यहाँ पे असैसिन्स क्रीड का जो जेड गेम है जो मोबाइल के अंदर आने वाला है यूबीसॉफ्ट की तरफ से, वो आपको अक्टूबर 2023 के अंदर ही मोस्टली यहाँ पे जो है वो अनाउंसमेंट के साथ में देखने के लिए मिल सकता है। बहुत ज़बरदस्त गुड न्यूज़ है यार ये आप लोग के लिए भी, क्योंकि यूबीसॉफ्ट की तरफ से जो असैसिन्स क्रीड का नया गेम आने वाला ना मोबाइल के लिए, वो बहुत यहाँ पे जो है वो कमाल के ग्राफिक्स साथ में रिलीज़ होने वाला है और आपको इतना मज़ा आएगा कि यार उसका अंदाज़ा अभी तो यार आप लोग लगा ही नहीं सकते, ठीक है। और बाकी के सारे गेम्स जो है वो इसको टक्कर शायद ना दे पाए, ऐसा ये गेम यहाँ पे होने वाला, क्योंकि यूबीसॉफ्ट कैसा डेवलपर है आपको बताने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो चलिए ये भी मैंने आप लोग को बता दिया, यहाँ पे यूबीसॉफ्ट के जितने भी गेम्स थे वो सारे के सारे गेम्स मैंने यहाँ पे कवर कर दिए, डेट के साथ में मैंने आप लोग को यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब अगला जो गेम निकल रहा है दोस्तों उसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अभी देखो ये जो गेम है अरेना ब्रेकआउट, ये भी काफ़ी कमाल का गेम है, लेकिन अभी इसका जो क्लोज बीटा वर्जन चल रहा है वो 8 जून को फाइनली ख़त्म होने जा रहा है। ये गेम आप लोग 8 तारीख तक के एंजॉय कर पाओगे, बस उसके बाद में ये क्लोज्ड हो जाएगा और जितना भी आप लोग का डेटा वगैरह है जो भी है वो सारे के सारा इरेज्ड हो जाएगा इसके अंदर से। तो ये जो न्यूज़ है अरेना ब्रेकआउट की आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी, 8 तारीख तक के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट गेम की, जो कि है GTA 6। अब देखो GTA 6 का स्क्रीनशॉट मैं आप लोग यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये टाइम रिलीज जो है आप लोग देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2023 में लिखा हुआ है कि भाई इसका जो ट्रेलर है वो ऑफिशियली रिवील्ड कर दिया जाएगा रॉकस्टार की तरफ से, और ये जो गेम है वो 2025 तक के रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये तो चलो ये नॉर्मल न्यूज़ है, लेकिन मैं आपको दोस्तों एक यहाँ पे कड़वी सच जो यहाँ पे बताता हूँ इसका, और वो ये है कि देखो जो गेम प्ले फुटेजेस लीक हुए थे, ठीक है, जो गेम प्ले फुटेजेस लीक हुए थे उसमें जो आपको ग्राफिक्स देखने के लिए मिल रहे थे, जो आपको कैरेक्टर्स वगैरह जो कुछ भी था वो जो भी देखने के लिए मिल रहे थे, तो अभी जो लेटेस्ट सोर्सेस के मुताबिक मेरे को पता चला है यहाँ पे, और उसमें ये बताया गया है कि जो फुटेजेस लीक हुए थे वो सारे रॉकस्टार गेम्स ने कैंसल कर दिए, जितने भी आपको ग्राफिक्स जो भी गेम के अंदर देखने के लिए मिला था वो सब उन्होंने कैंसल कर दिया है, पूरा के पूरा जो गेम है वो नया बना रहे हैं वो लोग, वापस से फिर से वो लोग नया गेम बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो जो आपको GTA 6 देखने के लिए मिल रहा था ना पहले कि यार अच्छा नहीं दिख रहा है गेम, और जो उसके अंदर जो ग्राफिक्स वगैरह है जो कुछ भी चीज़ें हैं वो सब एक तरीके से जो है वो GTA 5 से भी जो है वो कमज़ोर दिख रहा था गेम, है कि नहीं, तो वो सारा के सारा उन्होंने कैंसिल कर दिया है। और जो है ऐसा बताया गया कि भाई नया जो गेम है वो मिलने वाला है और यूनिक गेम होने वाला है बिल्कुल भी, और ज़बरदस्त ग्राफिक्स के साथ में आपको देखने के लिए ये गेम मिलेगा। तो ये तो यार ये सीधी सी बात है, क्योंकि GTA 5 से ज़्यादा ही अच्छा होना चाहिए GTA 6 गेम, अगर उससे अच्छा नहीं होगा तो फिर तो रॉकस्टार गेम जो है वो डूबने ही वाला, तो रॉकस्टार गेम्स तो अपने आपको डूबने देगा नहीं, तो इस वजह से वो सीधा सीधा यहाँ पे जो है वो अच्छा ही काम किया एक तरीके से उसने, कि पहला वाला जो कुछ भी था वो सारा कैंसिल करके नया जो है यहाँ पे गेम आपको यूनिक तरीके से देखने के लिए मिलने वाला है। और रिलीज डेट भी आप लोग को मैंने स्क्रीनशॉट के अंदर बताया, 2025 तक ही उसके चांसेस है रिलीज होने के, ठीक है। अच्छा अभी जो अगला गेम निकल रहा है दोस्तों वो है वैलोरेंट मोबाइल गेम। अब देखो इस गेम की तो मैंने बात बहुत टाइम से नहीं किया हुआ है किसी भी वीडियो के अंदर, लंबा समय हो गया, लेकिन आज मैं आप लोग को बताता हूँ दोस्तों इसकी ऑफिशियल न्यूज़, और वो आप लोग स्क्रीनशॉट के साथ देख सकते हो। सबसे पहले तो इसका जो है दोस्तों वो गेम प्ले फुटेज लीक हुआ है जो आप लोग स्क्रीनशॉट में देख सकते हो। अब मैं आपको वो गेम प्ले फुटेजेस जो है यहाँ पे वीडियो में तो बता नहीं सकूँगा, क्योंकि वो जो है वो रियल है या फेक है उसकी भी गारंटी नहीं है अभी यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये जो गेम प्ले फुटेजेस स्क्रीनशॉट के अंदर मैंने आपको दिखाया वो तो कोई अदर अकाउंट है उसने अपलोड किया हुआ है, और वो चाइनीज़ गेम प्ले दिख रहा है वहाँ पे, इंग्लिश भी नहीं दिख रहा है। तो वो चाइनीज़ बीटा वर्जन जो उसका आया था चाइना के अंदर जुलाई के अंदर पिछले साल, तो वो उसका गेम प्ले ये हो सकता है, और ऐसा बताया जा रहा है कि ये न्यू गेम प्ले, तो इसकी क्या हकीकत है क्या फेक है वो तो यार पता नहीं है अभी, तो इसी वजह से मैंने आपको यहाँ पे क्लियर बता दिया कि गेम प्ले फुटेजेस जो है वो इस तरीके से अभी न्यूज़ चल रही है, और दूसरा भी आप लोगों ने यहाँ पे देख लिया स्क्रीनशॉट के अंदर उसकी न्यूज़। अब हकीकत में यहाँ पे जो गेम है वो रिलीज़ कब होगा, तो यार सीधी सी बात है कि यार इस साल के एंड तक के इसके अनाउंसमेंट तो आपको डेफिनेटली मिलने वाले हैं, गेम का एक बीटा वर्जन भी आपको देखने के लिए मिल सकता है, लेकिन चांसेस इसके बहुत ज़्यादा रेयर है,
क्योंकि यार देखो ऑलरेडी ये जो डेवलपर है इन्होंने बोला है कि ये जो गेम है वो डेवलपमेंट के अंदर चल रहा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो अभी चीज़ें ऐड करनी भी बाकी है, इम्प्रूवमेंट्स करने बाकी है, और अभी लंबे समय के बाद में ये गेम रिलीज़ होगा। इसको ऑफिशियली जो इसके डेवलपर है रियॉट गेम्स, उन्होंने डिले भी कर दिया था, आपको पता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्लियर आप लोग समझ जाओ, इस साल एंड में कुछ चांसेस है इसके रिलीज़ होने के, लेकिन मोस्ट ऑफ द चांसेस इसके 2024 में है, बीटा वर्जन्स के भी रिलीज़ होने के और ग्लोबल वर्जन के भी, ठीक है। तो मैंने आपको क्लियर यहाँ पे वैलोरेंट मोबाइल की इन्फॉर्मेशन बता दिया रियल प्रूफ के साथ में। अच्छा अभी देखो जो अगला न्यूज़ है वो है गैंगस्टर न्यूयॉर्क के ऊपर। ये जो गेम लॉफ्ट है ना दोस्तों, अभी मैं आपको क्लियर बता दूं यहाँ पे, इसका जो बीटा वर्जन इन्होंने दिया था वो तो काफ़ी कमाल का था, लेकिन इसके जो फीडबैक इसको मिले हैं वो काफ़ी कमाल के मिले हुए हैं। और इसके अंदर जो बीटा वर्जन क्लोज होने के बाद में आपको मैसेज देखने के लिए मिला था, तो उसमें आप लोगों ने सीधा देखा होगा कि यहाँ पे जो है वो लिख कर के आया था न्यू बीटा वर्जन इज़ कमिंग सून। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर बता दूं कि अक्टूबर नवंबर के आसपास ही इसके नए बीटा वर्जन के रिलीज़ होने के चांसेस है। ऑलमोस्ट अभी 3 महीना तक तो ये गेम आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला है, मतलब जून जुलाई अगस्त तो आप लोग भूल ही जाओ कि ये गेम आपको देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद में ही उसके चांसेस है सितंबर अक्टूबर नवंबर के अंदर रिलीज़ होने के। और अगर उसमें रिलीज़ हो गया तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको 2024 के फर्स्ट हाफ में भी एक बीटा वर्जन देखने के लिए मिलेगा, और उसके बाद में एंड 2024 तक के या फिर 25 के स्टार्टिंग में उसका ग्लोबल वर्जन रिलीज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर ये साल इसका बीटा वर्जन नहीं आता है एंड में भी, तो फिर तो यार फर्स्ट हाफ 2024 के अंदर इसका बीटा वर्जन आएगा, फिर उसके बाद में नेक्स्ट ईयर 25 में आपको देखने के लिए मिलेगा इसका सेकेंड बीटा वर्जन, और फिर 2025 के एंड में या तो फिर 26 में आपको ग्लोबल वर्जन देखने के लिए इसका मिल सकता है। तो ये आप लोगों को समझ करके चलना है। इसकी जो टाइम रिलीज़ है, टाइम लाइन है, वो मैंने आपको क्लियर इस वीडियो के अंदर बता दिया। अभी बहुत दूर है ये गेम, थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा इस गेम के ऑफिशियल ग्लोबल वर्जन के आने तक के। और मोबाइल का तो मैंने आपको क्लियर बता रखा है, प्रीवियस मैंने जो वीडियो बनाया था उसके ऊपर डेडिकेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बताई हुई है कि ये गेम जब तक रिलीज़ नहीं होगा जब तक ये पीसी कंसोल्स के अंदर ग्लोबली रिलीज़ नहीं हो जाता। तो अभी तो आपको मोबाइल के बारे में इसका कुछ सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती रहती है वीडियो बनाने के लिए, तो इसी वजह से मैं जो है इसको हर एक वीडियो के अंदर गेमिंग न्यूज़ का जो भी वीडियो होता है वो मैं इस गेम को जो है वो ऐड करते ही करता हूँ, ताकि आपको कम से कम कुछ इन्फॉर्मेशन तो इसकी मिल जाए, इसका जो लेटेस्ट सिनेरियो है वो आपको पता चल जाए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं बात करूँगी यहाँ पे GTA 4 की। तो देखो अभी यहाँ पे कैसा सीन है ना यार GTA 4 का, कि रॉकस्टार गेम्स का जो CEO है उसकी तो बात आप लोग छोड़ ही दो, टेक टू इंटरेक्टिव के जो यहाँ पे है मेंबर बताने वाले उनके मुताबिक, दूसरी चीज़ यहाँ पे जो स्ट्रॉस जेलनिक है उनसे जो भी इवेंट के अंदर भी पूछा जा रहा है ना यार गेम्स के बारे में, तो पहले क्या होता था कि पहले के इवेंट में आप लोगों ने देखा होगा कि ये बिल्कुल भी किसी गेम के बारे में इन्फॉर्मेशन थोड़ी भी नहीं देते थे, थोड़ी सी भी नहीं देते थे, लेकिन अब ये इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देने लग गए हैं। और इसी के मुताबिक यहाँ पे जो है वो इन्फॉर्मेशन इन्होंने ये भी दिया है कि ऑलमोस्ट जितने भी गेम्स अभी बताए हुए हैं उन्होंने मोबाइल के अंदर आने के लिए जो 18 गेम्स है उसमें ऑलरेडी रॉकस्टार गेम्स के वो फेमस टाइटल्स अवेलेबल हैं जिनको आप लोग पीसी कंसोल्स के अंदर खेलते हो और जिसकी डिमांड है, रॉकस्टार गेम्स के जो फेमस टाइटल्स हैं उनकी बात यहाँ पे होती है, तो वही जो है वो प्लानिंग है उनका मोबाइल के अंदर लाने का। अब इसी वजह से यहाँ पे GTA 4 का जो है क्रेज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है जब से टेक टू का यहाँ पे पार्टनरशिप हुआ है जेंगा के साथ में, और जब से उन्होंने बुलाया कि भाई ये जो गेम है हम लोग मोबाइल के अंदर देंगे आपको, तब से उनका जो है यहाँ पे पार्टनरशिप होने के बाद में क्रेज़ बन चुका है। तो यार GTA 4 का जो मोबाइल एडिशन है वो बनेगा या नहीं बनेगा ये क्वेश्चन मार्क उन्होंने डाला हुआ है। अभी मोस्टली तो मैंने आपको बता रखा है कि ये गेम नहीं आएगा मोबाइल के अंदर बिल्कुल भी, लेकिन हो भी सकता है यहाँ पे टेक टू के वजह से जो है यहाँ पे मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा लंबे समय के बाद हो सकता है कि शायद GTA 4 आपको देखने के लिए मोबाइल के अंदर मिले, क्योंकि 18 गेम्स उन्होंने बता रखे हैं ना मोबाइल में आने वाले, तो हो सकता है कि GTA 4 का भी नाम उसके अंदर शामिल हो, तो वो अपने को यार आने वाले टाइम में पता चलेगा। अभी फ़िलहाल तो यार मैं आपको क्लियर बता दूँ जो लेटेस्ट सिनेरियो तो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन फ़िलहाल रिलीज डेट GTA 4 के मोबाइल एडिशन की बिल्कुल नहीं है किसी के भी पास में, और अभी तो ये गेम ऑलमोस्ट 5 से 7 साल तक तो आने वाला
है ही नहीं, उसके बारे में तो आप लोग सपने देखना छोड़ ही दो, ठीक है। अच्छा, अभी लास्ट में बात करेंगे दोस्तों GTA ट्रायलॉजी मोबाइल गेम की। तो इसको लेकर के मेरे को जो है ना दोस्तों एक न्यूज़ ये पता चली है अभी कि 28 जून 2023 जो है उस दिन इसका टेस्टिंग होने वाली है इस गेम की, और टेस्टिंग के अंदर इसके जितने भी प्रॉब्लम्स है, जो भी बग्स है, जो भी ग्लिचेस है, जो भी प्रॉब्लम्स है इस गेम को लेकर के, जिसकी वजह से ये गेम डिले किया गया है इतने लंबे समय के लिए यानी 2026 तक के, तो वो सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। और जब ये प्रॉब्लम सॉल्व होंगे उसके बाद ये गेम मिलेगा, सोर्सेस के मुताबिक यहाँ पे पता चल रहा है। और जितने भी रूमर्स और लीक्स आ रहे हैं यहाँ पे उसके अंदर क्लियर कर दिया गया है कि ये गेम जो है वो 24, 25, 26 के बीच में रिलीज़ किया जाएगा मोबाइल के अंदर। तो टेक्टू की तरफ से जो अपने को इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक जो अपने को पता चला है कि भाई 2023 में तो गेम आने से रहा, 2023 में तो मिलेगा ही नहीं, कन्फर्म है वो, लेकिन 2024 का जो फिस्कल ईयर रहेगा नेक्स्ट वाला यानी 31 मार्च 2024 से लेकर के 1 अप्रैल 2025 तक के, तो वो उसमें आपको चांसेस मिलेंगे इस गेम के रिलीज़ होने के। और 28 जून जो है अभी अगले महीने का, ये 28 जून उसमें इसकी टेस्टिंग आपको मिलने वाली, मतलब वो डेवलपर करेंगे, आपको तो कुछ पता नहीं चलेगा, वो डेवलपर की तरफ से यहाँ पे टेस्टिंग होने वाली है, जितने प्रॉब्लम्स रहेंगे वो सारे फिक्स किए जाएंगे, ठीक है। और अपडेट्स वगैरह भी आपको जो है PC कंसोल्स के लिए उसके देखने के लिए वो टाइम पे शायद मिल जाए, तो ये भी यहाँ पे काम हो सकता है। बाकी रिलीज डेट आपको 2024, 25, 26 में इसकी देखने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो दोस्तों बस फिलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर इतना ही। आज का गेमिंग न्यूज़ तो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा क्योंकि बहुत सारे गेम्स के इन्फॉर्मेशन ऑफिशियल मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया। और अगला महीना यार कमाल का होने वाला है मोबाइल के लिए भी, PC कंसोल्स के लिए भी, तो आप लोग रेडी हो जाओ ज़बरदस्त गेम्स को एंजॉय करने के लिए। और फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट्स कर दो, चैनल बने और सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर से प्रेस कर दिया। चलेगा इसमें आप लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड गुड बाय फ्रेंड्स।